ये गाइस, वी आर वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम। हाउ आर यू फीलिंग कि मैं वेरीफाइड हो गई हूँ? और क्या, और ऑडियंस के लिए ना बेइज्जती मेरा बेइज्जती नहीं भाई, सुन तुझे अभी भी नहीं आता है ठीक है अबे चल कमीना, अमीर बंदा है ब्रो। यो गाइस, हम रेडी हो गए एंड लास्ट क्या बोल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला ना पनीर जल गई थी। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे हेयर कट भी करवाना है, पता नहीं मैं ये कब करूँ हेयर कट, मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, एंड स्पेशली जो फ्रंट वाला पार्ट है ना। हाई गाइज, गुड मॉर्निंग। द थिंग इज दैट मेरी 8 बजे की क्लास है। यू गाइज नो इफ यू बीन वॉचिंग माई ओल्ड व्लॉग्स कि मैंने कल्ट ज्वाइन किया है और मेरी 8 बजे का क्लास है और अभी बज रहे हैं 7:58। और अगर आप लेट हो जाओ ना वो एंट्री नहीं देते, और ग्रुप क्लास है, हिट और बर्न काज। ओह गॉड, ये सीरी चढ़ रू, इसी से मेरा प्री वर्कआउट हो जाता है। तो जाके ना हमें पहले स्कैन करवाना होता है, अटेंडेंस मार्क करना है होता है, उसी में 2-3 मिनट लगते हैं। सो यस, मैं जिम आई हूँ और पुनीत भी आया हुआ है बट वो पार्किंग कर रहा है, सो ही विल ज्वाइन मी शॉर्टली। उसके बाद आई हैव टू गो फॉर माई ड्राइविंग क्लास। सो गाइज, आई विल सी यू इन अ बिट। और एक कंटेंट क्रिएटर हाई बोल दे, हाई बोल दे। गाइज, जस्ट फिनिश विद द वर्कआउट, अब हम भाग रहे हैं टू माई ड्राइविंग क्लास की तरफ, क्योंकि 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है मेरा ड्राइविंग क्लास और बस 6 मिनट बाकी है। एंड बहुत हेक्टिक हो जाता है यार जिम और ये ड्राइविंग क्लास करके। होपफुली अब बस और 7-8 दिन है मेरे ड्राइविंग क्लास का, उसके बाद आई विल बी अ ट्रेन ड्राइवर। एनीवेज, तो ड्राइविंग के बाद आपसे मिलती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। क्या खा रहे हो तुम? पोहा। दिखाओ प्लेट। अरे तो बचा है। तुम लेट ही क्यों नहीं जाते, ऐसे बैठ के कौन करता है नाश्ता? लेट जाओ, पूरा ही लेट जाओ। बिल्कुल अभी लेटता हूं, खाना खा के लेटता हूं। हां, ऐसे लेट के ऐसे नाश्ता कौन खाता है गाइस? लुक एट हिम। बाय द वे, हाउ आर यू फीलिंग कि मैं वेरीफाइड हो गई हूं? ओह माय गॉड, सो एक्साइटेड। हां, वेरी नाइस, वेरी नाइस, लॉन्ग वेटेड। हां हां, काफी टाइम से वेट था। हां, वेरिफिकेशन का काफी टाइम से। कुछ बोलना चाहोगे मेरे ऑडियंस को? देखो, ऑडियंस की सपोर्ट की वजह से यहां पहुंची हूं मैं। तो कुछ बोलना चाहोगे? मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, आई विश आप आगे भी ऐसे ही आपके फॉलोअर बढ़ते जाएं, प्यार मिलता जाए बस। और क्या, और ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए कीप लविंग रिचा, कीप लविंग फेस डेकोर। अच्छा, चलो ठीक है। ये गाइस, वी आर वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम। फाइनली वो दिन आ गया जहाँ मुझे वेरिफिकेशन मिल गया। आई स्टिल कांट बिलीव, सीरियसली, एंड आई हैड टू शेयर दिस न्यूज़। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। लाइक, कैन यू सी, कैन यू सी, पता नहीं आपको दिख रहा है क्या? जस्ट लुक एट इट, ब्लू टिक आ गया गाइस, ऊपर देखो ब्लू टिक आ गया है। और मेरे नाम के आगे भी, मतलब यू वोंट बिलीव मी, मैं दूसरे प्रोफाइल से चेक कर रही हूँ कि मेरा पेज कैसा लगता है। अभी मैं अभी को मेरे दूसरे वाले अकाउंट जो प्राइवेट वाली होती है उसमें से दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ब्लू टिक आ गया है फाइनली, ब्लू टिक, एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी। हैप्पी होने से पहले थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। जो भी मेरे को आप इंस्टाग्राम से अगर आए हो, कोई भी ऑडियंस, एंड यू बीन फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरिफिकेशन थिंग। एंड विदाउट यू ऑल गाइस, इट वुड नॉट बी पॉसिबल। डज इट इवन मीन ये वेरीफाइड होना क्या ही होता अगर आप लोग मेरे लाइफ में नहीं होते? आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एंड जो आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते हो, आप मेरे वीडियोस को देखते हो, आप कमेंट करते हो कि नेक्स्ट आपको वीडियो क्या देखना होता है, तो इतना आप इंगेज करते हो एंड आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई कुड नॉट बी हैप्पियर देन दिस। एंड थैंक यू से भी अगर कुछ ऊपर होता तो डेफिनेटली मैं वो आप लोगों के लिए करती। सो बट वी आर फाइनली वेरीफाइड, मेरे नाम के आगे ब्लू टिक आ गया है इंस्टाग्राम में। एंड मैंने 1.5 साल से अप्लाई किया हुआ था इसको, एंड फाइनली अब हो गया है। एंड या आई एम वेरी हैप्पी, सो आई हैड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। और इसी न्यूज़ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो
आई थिंक सो यू हैव सीन कि मैं जिम जाके आ गई हूँ. जिम और ड्राइविंग करा हुआ था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है गाइज. सुबह मैं हाई नहीं बोल पाई जिम जाते हुए. द थिंग इज़ दैट आई वॉज गेटिंग रियली लेट, सो बस जो बात कर पाई मैं कर पाई. सो मैंने सुबह आज जिम मारा, इट वॉज बर्न सेशन फॉर 50 मिनट्स एंड फुल बॉडी पार्ट हुई है. उसके बाद 1 घंटे मैंने ड्राइविंग सीखी एंड आज हमने बेसमेंट में पार्क करना भी सीखा है. एंड यस, तो आई विल टेक यू थ्रू अलॉन्ग आज का दिन. इट्स लाइक क्वाइट, सो बेसिकली इट बी अ कंपाइलेशन व्लॉग. एक दिन में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, वो हमेशा लास्ट मोमेंट में होता है. तो आई विल टेक यू थ्रू अ वीक का पूरा जो मैं कर रही हूँ. सो अभी मुझे थोड़े से एडिट करने हैं. आज एक व्लॉग लाइव जाएगी यूट्यूब चैनल पर एंड देन वो एडिट करना है. एंड उसके बाद आई थिंक सो माई ब्रदर विल कम हियर और उसको कुछ H&M से चीज़ें लेनी है. एंड ऑल्सो गाइज, मुझे हेयर कट भी करवाना है. पता नहीं मैं ये कब करूँ हेयर कट, मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए एंड स्पेशली जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, मतलब अब कोई शेप नहीं दिख रहा है. लाइक कैन यू सी, और यू गाइज नो अगर इफ़ यू बीन फॉलोइंग मी पहले से, तो मुझे पुनीत ने डायसन गिफ्ट करा था, तो डायसन मुझे यूज़ करना है. तो प्लेन बाल में डायसन का कुछ समझ में नहीं आता. अगर आप वेव या कर्ल करो तो थोड़े से बालों में ना लेयर्स होना बहुत जरूरी है. तो मेरे को एटलीस्ट थोड़ा सा लेयर्स चाहिए, स्पेशली फॉर द फ्रंट पार्ट. ये तो बहुत प्लेन लग रहा है बाल, यू नो, इवन इफ आई स्टाइल इट एकदम बेकार सा लग रहा है. सो हेयर कट करवाना है, वो मुझे नहीं पता मैं कब करवानी हूँ, बट येस आई विल डू इट एंड आई टेक यू थ्रू अलॉन्ग. एंड या एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हम H&M जाएंगे. मेरे भाई को चीज़ें लेनी है. सो आई विल सी यू इन अ बिट. कोई आया हुआ है, मैं चेक करती हूँ. एंड या A few moments later. Hey guys, I'm back again. And what? Guess what? मैं आई हूँ अपने sweet kitchen में और हम बना रहे हैं मटर पनीर. Because पुनीत ने लंच करना है and we need to send him tiffin. अगर पुनीत की बात करूँ, उसका office मेरे घर के सामने ही है. तो basically ना, कभी उसको मेरा मतलब हाथ का कुछ खाना होता है, so early morning I cannot cook for him. तो जैसे वो 3 बजे लंच करता है तो उसके पहले मैं बना लेती हूँ. तो आज हम बना रहे हैं मटर पनीर एंड सिंस इट्स संडे, तो थोड़ा सा हम हेल्दी टाइप का ही हम बनाएंगे. मतलब आप देख सकते हो पनीर को हम फ्राई कर चुके हैं. और सपना हेलो, हाय गाइस, आज बना दिख नहीं रहा है. इधर आजा ना, बेइज्जती मेरा बेइज्जती नहीं. हाय गाइस, आज बनाने वाला हूँ मटर पनीर. अच्छा, और ये सब तुमने रेडी कर लिया है? रेसिपी किसकी है पहले ये बताओ. मैं तो दीदी, मतलब मैं तो आपसे सीखा हूँ. हाँ, आप ही मुझे बताया, नहीं तो मुझे कुछ नहीं आता था. आप अच्छा, बताया. हाँ. भाई सुन, तुझे अभी भी नहीं आता है, ठीक है? फिर भी मतलब आ ही जाता है कुछ. हाँ हाँ दीदी, अच्छा बनाता है, मजाक कर रहा था. तो अभी पनीर देख ले सपना, जल्दी सपना. भाई ये क्या हो गया सपना? तो गाइस, सेम कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और बस ये दो. तो बेसिकली मैं ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा झोल झोल टाइप का बनाऊंगी, तरी वाली. इसमें जाएगा प्याज, इसमें हम डालेंगे अब मसाले. मटर भी डाल देंगे थोड़ा सा. हाँ जी सपना, कैसा लग रहा है पनीर बना के? आया अच्छा लगा आज. अच्छा लगा ना पनीर? अच्छा, तूने जो जला दिया. और वो जला नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं बोलती सपना पनीर तो वो गए चले जाते. आज पता है ब्लॉक की वजह से, मतलब ब्लॉक की वजह से पनीर जल जाता. वो भी बात है सही बात है. जो पनीर जली हुई है और अभी जो हम पुनीत को वो भेजेंगे ना, मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स मुझे गाली देने वाले हैं व्लॉग पे नीचे कमेंट में. और मैं देखती हूँ पुनीत का रिएक्शन कैसा होगा. उसको हम बताएंगे नहीं कि पनीर थोड़ा सा जल गया है. दो जलने का टेस्ट नहीं आ रहा है फिर भी. A few moments later. Hello, भाई देखो इधर कौन आया है. ये कौन है? ये कौन है भाई? और भाई देखो अभी जो मैंने पनीर बनाई थी ना, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है. एक्सपेरिमेंट नहीं, ही इज ओनली गोइंग टू टेस्ट एंड बताएगा कैसा होगा.
मैं लैब रैट हूँ, या लैम्ब भी बोल सकता है, और मैं ये करने वाला हूँ हाँ। जिसके बदले मैं 3-4 टी शर्ट आज खरीद सकता हूँ शायद से। अच्छा H&M, अच्छा हम लोगों का गाइस प्लान बना हुआ है आज H&M जाने का, बट मेरे को नहीं मालूम मैं जा रही हूँ कि नहीं। लुक एट दिस, वाओ कैरेट्स, क्या ये दाल है भाई, भाई पनीर टेस्ट कर ले पहले। पहले कैरेट्स यार, हेल्दी फूड। क्या यार तू क्या इतना क्यों ऐसा है भाई, पहले जल्दी कर ना, ये बनाया अभी मैंने, जल्दी कर रहा आज तू ये। पहले वो खाऊंगा जो लोग नहीं खाते, जैसे कि कैरेट्स। गुड, नाउ लेट मी ट्राई पनीर। अरे ये दीदी जलावा क्यों लग रहा है मुझे? हाँ तो ये नहीं, ये स्टाइल ये जलावा है, नहीं है ये। आज हमने रोस्टेड पनीर बनाया है, पर एक ही साइड से रोस्ट की हुई है फिर। ये ऐसे स्टाइल वाला है, ये नया स्टाइल वाला है। तू ऐसे कैसे खा रहा है, तो करी को डालना इसमें। हाँ ओके ओके, पहले पनीर टेस्ट कर लूँ ना। सीरियसली हाउ इज इट? आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा वैसे मैंने बहुत माइल्ड बनाया है इसको, लाइट लाइट, इट्स गुड, इट्स बेटर देन फूड दैट यू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। है टेस्टी बनी है या? चल फिर, थैंक यू। चलो सब ना, 3-4 कपड़े तो मिल जाएंगे ना शायद से। क्यों अबे चल कमीना भाई, है ये मेरा पता नहीं अडॉप्टेड कहीं का, ये अपनी बात कर रही है। हाँ सीरियसली मेरे मुंह से भी गाली निकलने वाली थी, पर मैं गाली नहीं बक सकती ना अभी। ओ गॉड, अभी ये कह रहा है चलो H&M, चलो H&M, लिटरली सुबह जिम वाले बाल, ड्राइविंग वाले बाल, मैंने ये वॉश ही नहीं करवाए, सोचा था आज हेयर कट करूँगी गाइज, बट अभी बज रहे 3:30, अभी यहाँ से निकलेंगे, एम्बियंस पहुँचेंगे। हाँ आज संडे, रोड खाली होगा, सो फिर मैं तैयार होती हूँ अभी 15-20 मिनट में, अंदर विल गो। तुम्हें लेना क्या है? शुरुआत के 1 तारीख से 15 तारीख को इधर ये स्विगी को देता है सैलरी अपनी, या फिर उसके बाद H&M या जारा को देता है, उसके बाद तो आप पूछो ही मत, मेरे तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, है ना ब्रो? तो जारा से कपड़ा लेगा, अमीर बंदा है ब्रो। भाई मुझे भी कुछ दिला। A few moments later. So guys, अभी मुझे literally भाई के साथ जाना है H&M, आधे घंटे में निकलूँगी, so I just have half an hour to get ready. वैसे ऐसा कुछ ready नहीं हुआ because मेरे hair ना everyday मैं wash नहीं करती, तो it's already little bit sweaty, it's there because आज सुबह gym गई थी, and I'll be washing tomorrow. So it'll be simple, बाल कुछ simple होगा, but हाँ I have to apply this face pack नहीं है, basically ना ये bleach है। इसको मैं रखने वाली हूँ बस 10-15 मिनट्स, तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या पहनने का सोच रही हूँ। वैसे आई एम वेयरिंग दिस वाइट ड्रेस, समर है मेरे पास, पता नहीं समर है तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी, ज़ारा का है, बट ये भी हाफ स्लीव्स है यार। A few moments later. Hey guys, suddenly ना चेंज ऑफ प्लान हो गया, प्लान एज एन आउटफिट प्लान, जा तो हम रहे, एंड यू नो I don't know, I was not feeling comfortable wearing the dress because हम shopping जा रहे थे, एंड ड्रेस मेरी बहुत छोटी आ रही थी, सो एज यूजल मैं अपने oversized t-shirts में आ गई, टी शर्ट में आ गई, अपना ये लूज डेनिम एंड मेरे ये sneakers। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सेम टी शर्ट पहना है तो मैं बता दूँ, आई लव दिस कलर एंड आई लव दिस प्रिंट सो मच। तो मेरे पास ना ऐसे दो है, ओके, एक बाहर जाने वाला है और एक जो मैं घर पे पहनती हूँ, ये रहा ब्रो, लुक एट दिस, इट्स सेम। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पहना हुआ था जिसको भी मैंने निकाल लिया, और मैंने ये फ्रेश निकाल दिया, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है ना मैं वो दो खरीद लेती हूँ। एनीवेज सो गाइस मैं रेडी हो गई यार, दिस इज़ माय लुक, वेरी सिंपल एंड मिनिमल, और बाल को तो आई डोंट वांट टू डू बन, बट अब मैंने पोनीटेल ही कर दिया है, एंड गाइस दिस इज माय आउटफिट, देख लो पूरा, अ वेरी ओवरसाइज टी शर्ट, अ हाई पोनीटेल, मिनिमल मेकअप, and my shoes, yes this is how I'm gonna look, and yeah.
यो गाइस हम रेडी हो गए एंड राज क्या बोल रहा है अभी कि दो अंधे एक बड़ा वाला एक छोटा वाला ऐसा क्यों बड़ा वाला क्यों चश्मे की तू ज्यादा अंधा लग रहा है प्लीज मैं नहीं लग रही ओके लेट्स गो आई थिंक सो द कैब इज हियर लेट्स रोल बेबीज चले तो राज आज मुझे शॉपिंग करवा रहा है ऐसा मैंने सुना मैं तो कुछ और ही सोच के निकल रहा हूँ भाई सो सी ओके नहीं प्लीज मैं जा रही हूँ इतनी बड़ी बात है कॉफी पिला दियो ठीक है कंजूस के ही का ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अभी हम कहाँ जा रहे हैं ब्रो तुमको H&M से लेना है या ज़ारा से लेना है दोनों से लेना है दोनों से लेना है तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सो राज ले रहा है गर्ल्स सेक्शन से देख रहा है She is forcing me to buy something हाँ गाइस यूनिसेक्स का पता थोड़ी ना चल रहा है गर्ल्स सेक्शन में बट ये लड़के भी लगा सकते हैं ओवरसाइज टी शर्ट ये साइज कौन सा लिया है XL वैसे आई लाइक दिस बैग नाइस मुझे राज ये भी अच्छा लगा देख ना तू ले ले बाद में छाटी हो अभी तो पहले कलेक्ट कर ले एक एक करके ले ली चल आई सो लव दिस कलर ट्रस्ट मी एक बार वेट लूज हो जाएगा घर में डेफिनेटली आलू भैया So guys, बहुत बड़ा धक्का लग चुका है मुझे अब मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है सो गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी क्यू लाइन थी सो आई सिलेक्टेड अ ड्रेस एट ऑरेंज वन विच आई रियली लाइक्ड बट इतना लंबे क्यू लाइन मतलब इतना लंबे क्यू में आई कैन नॉट खड़े नहीं रह सकती अभी मैं जस्ट टू ट्राई वन आउटफिट सो मैं निकल ही गई वैसे H&M में ना सेम चीज़ ही थी कलरफुल बहुत सारे थे बट वो ऑरेंज या टैंजरीन कलर का ड्रेस लाइक आई रियली लाइक सो मैं जाके डेफिनेटली ऑनलाइन ट्राई करूँगी और उसका साइज़ नहीं था मुझे लार्ज चाहिए था बट देयर वाज मीडियम आई बिलीव ए फ्यू मोमेंट्स लेटर Jiju is coming. Oh god, it's hot, but it's totally fine. Mm. That's good, okay? Yeah, you can give me the straw, man. So guys, this is vanilla iced latte, जो कि मैं हमेशा यही लेती हूँ. And this is paneer kathi roll, and this is cheese croissant. ठीक है? Raj, तूने क्या लिया है? Frappuccino, Java chip, Frappuccino, and Delicious. Also, Puneet will be joining us now. वो भी free हुआ अपनी meeting से, so हम उसी का wait कर रहे हैं. वो basement में गाड़ी लगा रहा है, park कर रहा है, and we are like waiting for him. वो आएगा तो वो खुद की coffee खुद ही order करेगा. Though I told him कि I'll order something for him, but yeah, we are just waiting for Puneet right now. Hello. Hello. Finally you've joined us. Yes. तुम क्या लेके आए हो? मैं लाया हूँ croissant, vanilla cold brew. Okay. Cold brew. अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ पनीर की सब्जी कैसी थी? अच्छी थी. बस अच्छी? हाँ अच्छी थी. Different बनाई थी आज. अच्छा. और कुछ problem नहीं था ना उसमें? ठीक थी. मैंने तो दो t-shirt के लिए ज़्यादा तारीफ करी थी. चलो फिर तो ठीक है. तुम्हें पता ही नहीं चला ना पनीर जल गई थी. बट आई नो आई एम शूटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग
मे बी आफ्टर अ वीक, बिकॉज बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो मीटिंग इतना वो था ना, एग्जॉस्टिंग था, कि 3-4 दिन मैंने काम नहीं किया ना, मैं जिम गई हूँ एंड आई डोंट नो, मुझे हेयर कट करवाना था वो भी नहीं। सो फाइनली अभी मैं निकल रही हूँ, आज भी लिटरली थकी हुई थी मैं, जाने का कोई प्लान नहीं था, बट एज आई प्रोमिस यू गाइज कि हाँ मैं हेयर कट करवाना है मुझे एंड मैं लाइक आपको शो भी करूँगी कैसा है। दैट्स व्हाई आई गॉट रेडी। वैसे मैंने ये गेट रेडी विथ मी में मैंने शूट किया है जो कि शॉर्ट्स में आएगा, तो ज़रूर उसको देखना। वैसे मेरी फ्रेंड शिल्पा मुझे मिलने वाली है और मैं घर के पास ही जा रही हूँ वर्ल्ड मार्क। सो बेसिकली एक ओवरसाइज ग्रीन शर्ट पहनी है एंड बहुत देर से मैं इसको टग इन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये फूल फूल के ऊपर ही निकल रहा है। ओ गॉड। गाइस या एंड दिस इज माय शूज, वॉच पहना है, बैग मेरा ये रहा, ग्रीन कलर का ये बैग लूंगी मैं एंड या आई विल सी यू इन अ व्हाइल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाय गाइस, मैं भी वर्ल्ड मार्क पहुंची हूँ और अभी ना पता है 7 बजने वाले हैं। मुझे पता नहीं मैं हेयर कट कब करूँगी क्योंकि पहले मुझे भूख भी लगी है, तो पहले ये सीन था कि हेयर कट करेंगे, बट हम दोनों को ही यहाँ पहुँचने में टाइम लग गया एंड या बाय द वे आई लाइक माय आई मेकअप, सो देयर इज माय फ्रेंड वेटिंग फॉर मी एंड आई एम इन वर्ल्ड मार्क। सॉरी, आपका नाम? गुरविंदर। बहुत अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं मुझे अभी हेयर कट के लिए, सो ही विल शो हिज मैजिक। और कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, हम हेयर कट के बात करेंगे बात। अच्छा, हम चेंज करेंगे मैम को आज। ठीक है गाइस, सो आई विल सी यू। पिक्स तो आपने देख लिए होंगे, मैंने डाल दिया आपको, लेयर्स है एंड क्या। अभी मैं यहाँ पे कौन सा है ये रेस्टोरेंट, शिल्पा इज देयर विद मी। काइलिन में है हम लोग एंड वी जस्ट ऑर्डर्ड दिस क्लियर सूप एंड वी आल्सो ऑर्डर्ड सम सुशी। यस वी डिड सो या दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। अभी खाऊंगी। हंग्री कह रही हो सीरियसली मैं ऐसे करते हुए। ऑल्सो गाइस, हमने सुशी मंगाया है, ये दो अलग अलग टाइप के, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। सो यस, दिस वाज इट फॉर द डे गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।